गुड मॉर्निंग क्लास। बी कॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ई बुक में आपका चैप्टर है इशू फॉर फीचर एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द एंटायर कैपिटल is contributed by the sole trader and the total risk is borne by the sole proprietorship. While in partnership firm, capital is contributed by the partner of the firm in their mutually agreed proportion, and each partner of the firm is severally and jointly bear the risk. The main source of raising a capital for a company. कंपनी कहाँ से अपना शेयर सॉरी कैपिटल रेज करती है? या तो वो शेयर्स इशू करेगी, जो कि आपका चैप्टर में बताया गया है। सम अदर सोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग और रेजिंग द कैपिटल कौन कौन से हैं? या तो वो अपने रिलेटिव से कैपिटल या फाइनेंस करवा सकती है, या फिर अपने फ्रेंड से पैसा ले सकती है, जनरल पब्लिक से ले सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी वो पैसा ले सकती है। ठीक है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी किसको मानते हैं हम? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। यानी कि कंपनी क्या है, या तो पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड है, या वो भूतकाल में बहुत पहले किसी लॉ के अंडर वो इनकॉर्पोरेटेड रही होगी। क्लियर है? तो हमारा चैप्टर क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में है, तो कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की आई डोंट थिंक सो दे सो मच नीड। तो हम सीधा अपना शेयर्स पर आते हैं। ठीक है, देखिए कंपनी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसके जॉइंट स्टॉक में किसी कंबाइंड ऑब्जेक्टिव है लोगों का, यानी कि सामूहिक उद्देश्य को की पूर्ति हेतु मनी मुद्रा या मुद्रा के तुल्य कंट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि अंशदान किया जाता है। और इसका निर्माण कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और समापन किसी अधिनियम के द्वारा ही होता है। वे व्यक्ति इनकी जो व्यक्ति हैं जो पूंजी में अंशदान करते हैं, जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, वे कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है? और पूंजी का वह अनुपातिक भाग यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल जिसका कंपनी का प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है, उसका अंश कहलाता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज शेयर? शेयर इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। जो कंपनी की जो कैपिटल है, पूंजी है, उसका एक पार्ट प्रोपोर्शन इज अ शेयर। अब देखिए दो तरह की पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी मैंने मेंशन कर रखी है। कंपनी जब शब्द का आया है और इश्यू ऑफ शेयर्स की बात होगी, तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज़ पब्लिक कंपनी। पहली चीज़ तो इसमें इनके सेक्शंस आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कि जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 कि मिनिमम उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,00,000 होनी चाहिए। जबकि पब्लिक कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5,00,000। सेक्शन दोनों के सेम है, बस सब सेक्शन में फ़र्क है। पब्लिक कंपनी के केस में सब सेक्शन 71 हो जाता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में सब सेक्शन है 68। एक और चीज़ है प्राइवेट कंपनी के लिए कि प्राइवेट कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, कि वो अपने जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने के अधिकार को वो प्रतिबंध लगाती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, और एक्सेप्ट सेकंड कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी
लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, यानी कि 200 व्यक्तियों तक एक आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 200 व्यक्ति हो सकते हैं, 200 व्यक्ति तक की संख्या उन्हें हो सकती है प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है, तो दो कंडीशन दे रखे हैं इसमें। एक चीज और दे रखी है, क्या चीज दे रखी है कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइड कर रखा है वेयर टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से अगर ज्यादा व्यक्ति हैं एंड दे आर होल्डिंग वन और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, यानी कि वो संयुक्त रूप से कंपनी के जो शेयर हैं उसको होल्ड कर रहे हैं, दे शैल बी द पर्पस ऑफ दिस क्लोज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल नंबर। ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है ना, शेयर एक ही खरीदना चाह रहे हैं जबकि दो लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको एक ही व्यक्ति माना जाएगा ना कि दो व्यक्ति, क्योंकि शेयर कंपनी का सिर्फ एक ही इश्यू हुआ है ना कि दो शेयर, तो शेयर्स के आधार पर हम उसके पार्टनर्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में वही बता दिया आपका, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, और इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि इफ अ कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है दैट मीन्स वो क्या है, ऑटोमेटिकली एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, एंड लिखी आपको बोर्ड पे मेंशन कर ही दिया है कि इसकी मिनिमम जो शेयर कैपिटल वो 5 लाख होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ और है इसमें ध्यान देने वाली कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी की, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे बोर्ड पर लिख रखा है डीम्ड कंपनी क्या है, अगर कोई आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, एक्चुअल में कोई डीम्ड कंपनी नहीं होती, मैंने शॉर्ट में ही लिखा है ये कि डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की तरह ही मानी जाएगी। और एक चीज़ और है इसके अंदर, वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, इफ अ पर्सन मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, यदि किसी कोई कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है मेंबर, मेंबर ऑफ अ कंपनी, अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, वन पर्सन कंपनी। क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द कंपनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी एंड द सेकंड वन इज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड पब्लिक कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी दैट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली अ पब्लिक कंपनी, एंड प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, तो आपकी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ओके क्लास।